नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा की अहम और खास खबरों के साथ। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक राज्य में एम्स स्थापित करने की घोषणा की है और इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में 22वां एम्स स्थापित किया जाएगा, जिसकी गत दिवस प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले दिल्ली में एम्स संस्थान है और लोग यहाँ पर दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिए आते थे, लेकिन अब हर प्रदेश में एम्स स्थापित किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैरकों में नहीं जाते, वो हमेशा फील्ड में रहते हैं। और बाकी पार्टियों ने तो अभी संगठन बनाना है। अगर आप हरियाणा में देखो तो कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है और हम पन्ना प्रमुख तक बना चुके हैं, यानी 15 परिवारों पर एक आदमी हम तय कर चुके हैं और सारे हरियाणा में उनके सम्मेलन हो चुके हैं। हमारी पूरी तैयारी है और पहली बार ये जो चुनाव होने जा रहा है ये सकारात्मक नजरिए से होने जा रहा है, ये नकारात्मक नजरिए से नहीं होने जा रहा। लोग जो मोदी जी ने काम किए हैं अपने 10 साल में उनके लिए वोट देना चाहते हैं। जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, जो उज्ज्वला योजना लागू की है, जो धारा 370 खत्म की है और जो भव्य राम मंदिर बनाया है, सारे देश में आज प्रो बीजेपी लहर है। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, रेवाड़ी में एम्स की जो सौगात प्रधानमंत्री हरियाणा को देके गए हैं, कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ये? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेश में एम्स खोलने की घोषणा की थी। पहले दिल्ली में ये एक एम्स होता था, दूर दूर से लोग आते थे, बाहर सड़कों पर रुलते रहते थे। अब हर प्रदेश में एम्स खोला जा रहा है, ये 22वां एम्स है और हरियाणा में तो हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। इन सुविधाओं का विस्तार ही नहीं हुआ अब से पहले, केवल हमारी सरकार ने आकर ये करना शुरू किया। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाएं 2 दिन और बंद रहेंगी। 19 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद करने का हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया और अंबाला कुरुक्षेत्र, कैथलजत, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली जिले के इंटरनेट सेवाएं जो हैं अब कुछ दिनों तक बंद रहेंगी। दो दिन और इंटरनेट सेवाएं हरियाणा में बंद करने के आदेश प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। सरकार ने ये आदेश दे दिए हैं कि अब 2 दिन और इंटरनेट सेवाएं जो हैं बंद रहेंगी। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट सेवा जो है बंद की गई थी और इस पर अब 2 दिन की अवधि और बढ़ा दी गई है। 2 दिन तक और इंटरनेट सेवाएँ बंद रहेंगी। किसान आंदोलन को लेकर ये निर्णय सरकार का सामने आया है, जिसमें उन्होंने 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएँ बंद रहने के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 22वें एम्स की आधारशिला रखी और साथ ही एक रैली को भी संबोधित किया, जिसमें करोड़ों की परियोजनाओं की आधारशिला व शिलान्यास रखी गई, जिस पर हरियाणा सरकार में रहे पूर्व मंत्री व नूह विधायक आफताब अहमद ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वैसे तो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के सांसद राव इंद्रजीत सिंह जब मेवात में जनसभा करते हैं और मेवात की जनता उनसे रेल की मांग करती है तो वह कहते हैं कि रेल का बजट हमारे पास नहीं है, और जब रेवाड़ी की बात आती है तो करोड़ों रुपए की सौगात रेवाड़ी को दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों से भी भेदभाव किया जा रहा है। वहीं विधायक ने कहा कि जिले की जनता की काफ़ी मांगे हैं, वह मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है और सरकार सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से ही मेवात के साथ सौतेला व्यवहार करती आई है, जिले की जो भी मांगी थी वह मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी का और उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका असली चेहरा जो है लोगों के सामने है,
एम्स रेवाड़ी का जो आज प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास कर रहे हैं, इसके लिए वहाँ की जनता जो है, और इन्होंने तो बहुत पुराना वादा किया हुआ था, और ये वादे भी जब ही पूरे करते हैं जब चुनाव होते हैं, और जहाँ तक हमारे इलाके की बात करते हैं, यहाँ की समस्याओं का तो इनका कोई नहीं है। ये अच्छी बात है, पहली बार सुनने को मिला है कि मोदी जी कोई विकास की परियोजनाओं की घोषणा करने जा रहे हैं, ये पहली बार हमने सुना है हमारे क्षेत्र में। लेकिन ये हमारे लिए एक खुशी का भी मौका है, दुख की भी बात है। खुशी तो इसलिए कि हमारी पड़ोस में एम्स का भी शिलान्यास हो रहा है, मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है, और दूसरी दीगर जो डिमांडें हैं उनका भी घोषणा की जा रही बता रहे हैं। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि मेवात मात्र 30 किलोमीटर दूर एनसीआर से है, यहाँ वडोदरा हाईवे भी है, यहाँ आईएमटी भी अब जो कहने को एक्वायरमेंट जमीन एक्वायर कर रखी है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई। दंगल फेम एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का महज 19 साल की उम्र में निधन होने की सूचना सामने आ रही है। आपको बता दें कि आमिर खान की फिल्म दंगल में उनकी छोटी बेटी का रोल करने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का निधन हो गया है। बेहद कम उम्र में सुहानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक्ट्रेस की उम्र महज 19 साल की थी। मौत का कारण उनके पूरे शरीर में फ्लूइड का जमा होना बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले उनके एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण जो दवाएं सुहानी द्वारा ली गई थी उसी का इन्फेक्शन होना उनके निधन का कारण बताया जा रहा है। तो आसपास से भी हुआ होगा कि बाद में कि भाई ये उनके इवन आप लोगों को भी उसी नाम से पहचानते होंगे कि भाई। हाँ जी, हम तो हर पेरेंट प्राउड फील करता है ना जब वो बच्चे के नाम से जाना जाता है। हमारी क्या आइडेंटिटी थी कि हम लोग अपनी लाइन में जी रहे हैं जो भी है, बट हमें जो रिकॉग्निशन मिला वो तो सुहानी की वजह से मिला कि दंगल गर्ल के पेरेंट्स हैं, जहाँ जाना उसकी रिकॉग्निशन होने की दंगल गर्ल आ रही है, दंगल गर्ल आ रही। तो हम तो ऑब्वियसली हर पेरेंट प्राउड फील करेगा ना जब उसके बच्चे को ऐसा नाम मिलेगा। तो दिल्ली कूच कर रहे किसानों के समर्थन में हरियाणा के किसान भी आ चुके हैं। हरियाणा से किसान नेता गुरनाम सिंह चडूरी ने दो दिन पहले दिल्ली कूच कर रहे किसानों का समर्थन करने की बात कही थी। उसके बाद जहां किसानों ने बीते दिनों 3 घंटे के लिए सभी टोल फ्री कराए थे, वहीं सभी तहसीलों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। उसी कड़ी में अम्बाला के सहा से शहर की अनाज मंडी तक किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया जिसमें भारी संख्या में किसानों ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान किसान ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और सरकार को तानाशाही बताया। आज जो हम ये ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे, कल हमने 3 घंटे के लिए टोल भी फ्री किए थे पूरे हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान तक जहाँ तक हमारा संगठन है, और आज ये ट्रैक्टर मार्च है, शांति प्रिय है। हम ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, जो हमारे किसान जम्मू बॉर्डर पे रोके हुए हैं, रास्ते ब्लॉक सरकार ने किए हैं और ऐसे बैरिकेड लगा दिए जैसे कि यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर हो, और जो किसान हमारे जख्मी हुए हैं काफ़ी, गोलियां भी चलाई सरकार ने, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ये एक बहुत निंदापूर्ण बात है क्योंकि किसान तो देवलियां चला रहे, रबड़ की गोली ला लो चाहे कुछ ले लो, किसी की आंख फूट गई, किसी का कुछ हो गया और जख्मी भी काफी हो गया, एक किसान तो शहीद भी हो गया वहाँ पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चुनी जी इतने मजबूत हैं, हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है। समूह पहले हम दिल्ली बैरिगेट तोड़ते हुए जाएंगे। पहले भी मोड़ा में बैरिगेट सरदार गुरनाम सिंह चुनी जी के अध्यक्षता में, जिला प्रधान मलकीत सिंह जी के अध्यक्षता में तोड़ा था, और अभी ये बैरिगेट कुछ नहीं है। अभी इनको हम जैसे ही आदेश आता है ये कुछ नहीं तोड़ के उखाड़ के फेंक देंगे। ना कि तो सरकार ने लगाए हैं, किसान तो सिर्फ अपने मांगे, जो देश के प्रधानमंत्री ने हमारे साथ 2 साल पहले झूठा वादा किया था, एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे और कमेटी बना दी है।
कुरुक्षेत्र जिला के शाहबाद, पिहोवा व थानेसर उपमंडलों सहित शहरों व कस्बों में किसान आंदोलन के चलते भारतीय किसान यूनियन चडूनी गुट ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। भारतीय किसान यूनियन चडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चडूनी ने ट्रैक्टर चलाकर मार्च की अगुवाई की। सभी जगह सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल हुए। कुरुक्षेत्र शहर की सड़कों सहित पिहोवा के कुरुक्षेत्र रूर की अनाज मंडी से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। शाहबाद में भी ट्रैक्टरों पर भारी संख्या में किसान शामिल हुए। सरकार किसानों के ऊपर जोर जबरदस्ती अजमा रही है, जैसे कि पाकिस्तान के किसान हो, जैसे पाकिस्तान की सीमा के साथ हमारी लड़ाई लगी हो। इस तरीके से आंसू गैस छोड़ने, रबड़ की गोलियां छोड़नी और गोलियां छोड़नी, ये बेहद ही दर्दनाक दृश्य वहां पे चल रहा है, जिसके रोष में हमारी भारतीय किसान चुरुनी ने सहयोग करने के लिए तीन प्रोग्राम दिए थे, जैसे कि कल सारे हरियाणा के टोल फ्री रहे और उसके बाद आज की कॉल जो है सभी तहसीलों पर ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। जैसे किसानों के साथ कई दिन से ज्यादती हो रही है, हजारों आंसू गैस के गोले दाग चुके हैं, हजारों प्लास्टिक की गोलियां चला चुके हैं, सैकड़ों किसानों को घायल कर चुके हैं और हमारी मांग जो है वो बड़ी वाजिब है, वो गैर वाजिब नहीं है। हमें मेज पे बैठ के या तो ये बता दें कि आपकी मांग गलत है, आप गलत उठा रहे हो, इससे देश का नुकसान है, इससे समाज का नुकसान है, तो हम अपनी बात को पीछे वापस कर लेंगे और अगर हमारी ठीक है तो हमारी बात लें और जो वादा किया है एक बार वादा कर दिया और ट्रका के हमें भेज दिया दोबारा से फिर वो नहीं मानी, इसका मतलब ये है हमें वो उकसा रहे हैं। किसानों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर 13 फरवरी से आंदोलन कर रखा है और मुख्य मांग एमएसपी पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। सरकार और किसान के बीच बातचीत होनी है। किसानों की मांगों पर भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह ओलख से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति ने खास बातचीत की। चलिए आपको भी सुनाते हैं। करने के लिए भारतीय बीकेई के अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वह तीनों मीटिंगों में भाग ले चुके हैं और किस बात पर पेच अड़ा है, सरकार उनकी जो मांगे हैं क्यों नहीं मान रही और क्या जो नौबतें आ रही है, किस तरह की समस्याएं जो है किसानों की हैं, किस इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपका नाम? मैं रविंद्र सिंह ओलख, अध्यक्ष भारतीय किसान एकता बीकेई और किसान मोर्चा गारंटी का कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेम्बर। हम जगदीश जी जो बात है उसकी पेज की, तो वो कहते हैं भी आप जो हमें समय दीजिए, तो समय तो 10 साल हो गए सरकार को आई। हम कहते हैं जब प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को उन्होंने पत्र लिखा था भी एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग को लागू किया जाए, वो अपनी ही बात को मान ले, दूसरी मांगे तो मानी भी मांगे हैं इसको मान ले, तो इसलिए समय हमने 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर दिया, 26 महीने उसके बाद दिया, इसलिए अब जो है हमारे को दोबारा आंदोलन करना पड़ा। बुलाया किस लिए जाता है? बुलाया तब जाता है ना जब किसी का कोई फंक्शन हो, कुछ हो, ये तो किसानों की लड़ाई है। और दूसरी तरफ हमारी समझ है इस मोर्चों की, हम राजनीति वालों को ना तो मंच देंगे तो ना उनके मंच पर जाएंगे, तो जब उस समझ में बहुत संघर्ष वाले नेता हैं मानते हैं, लेकिन उनका टीचर इलेक्शन है तो उसमें हम कैसे दे सकते हैं। गुरनाम सिंह चनूनी जी का ही नाम आ गया तो हमारे बहुत सम्मान करते हैं उनका, लेकिन उनकी 10 दिन के बयान अलग अलग देख लो कैसे कैसे उन्होंने बयान दिए, तो अब उन 10 दिनों के बयानों से ही हिसाब लगा लिए भी आप जो है किसानी के लिए क्या करना चाहते हैं। मीडिया पर बयान हो रहा है कि पंजाब के किसानों द्वारा वीडियो बयान की जा रही है कि हमें पंजाब खालिस्तान चाहिए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि किसान आंदोलन के आड़ में कहीं खालिस्तान की मांग तो नहीं की जा रही? देखिए जितने भी हमारे किसान नेता हैं, जितने भी हैं, ऐसी बात नहीं होती। और रही बात खालिस्तान की, सिख पूरी दुनिया पर राज करने वाली कौम है, हर जगह चाहे किसी जगह को मतलब सेवा भाव की बात हो, चाहे कहीं किसी भी देश में कोई सुनामी आई, किसी में भूकंप आया, किसी में आज यूक्रेन और उसका रशिया का युद्ध चल रहा है, कहाँ कहाँ नहीं सिख पहुँचता, तो खालिस्तान किस लिए इतनी कि कुछ राज्य लेके हम क्या करेंगे उसका? हम तो पूरे देश का राज करने वाले हैं, हम चाहते हैं महाराजा रणजीत सिंह वाला राज आए, खालसा राज आए, जिसमें हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जन जन को जो है सुविधाएँ मिले,
तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने अगर गुरुद्वारे पे जितना पैसा दिया उससे ज़्यादा मंदिर में भी दिया, मस्जिद में भी दिया। ऐसा राज हो जिसमें हर धर्म का नागरिक सुरक्षित हो, ऐसा राज चाहिए हमें। जो है किसी ने भी हमारी ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब ये सरकार जानबूझकर ये एजेंडा किया जा रहा है। तो अब देखो जो इस विचारधारा को रखने कोई कहीं इधर भी तो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए तो दूसरों को गोली थोड़ा मार देंगे। जो मुस्लिम भाईचारा है, सिख भाईचारा है, ईसाई भाईचारा है, उनको देश से बाहर निकाल देंगे क्या? हिंदू राष्ट्र चाहिए तो ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। तो अगर वो बोलते हैं तो कुछ विचारधारा उधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन किसानी है, जो हमारी लड़ाई किसानी और मजदूरी की मजदूरों के मुद्दों पर है, उस पर हम लड़ते हैं। ये थे हमारे साथ में लखविंदर सिंह औलक, बीई के प्रदेशाध्यक्ष। इन्होंने बताया कि किसान आंदोलन को लेकर किस तरह से जो दिक्कतें आ रही हैं और सरकार के साथ जो इनकी मांगे थी वो सरकार मानने को तैयार नहीं है। आगामी रणनीति जो इन्होंने बताई, इन्होंने कहा कि जो चढ़ूनी के जो बयान है उनको भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो टोल प्लाजा पर 5 लोग जाकर टोल प्लाजा को रोक रहे हैं उन पर भी थोड़ा संज्ञान है जो देखना चाहिए। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर सरकार को होना चाहिए। कालावाली से कैमरा पर्सन अजय के साथ जगदीश प्रजापति। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। गोलाखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी राजवीर सिंह की डीडी पावर छीनने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है, जिसमें अब बीडीपीओ के पक्ष में गोला समिति को चेयरपर्सन डिंपल रानी अपने पंचायत समिति सदस्यों के साथ उपायुक्त को मिलने पहुंची। डीसी से मुलाकात के दौरान उन्होंने बीडीपीओ को फिर से डीडी पावर देने का प्रस्ताव रखा और इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित बताया। मेरा नाम यशवीर सिंह है जी, ब्लॉक समिति मेंबर हूं मैं खंड गुला से। जी आज डीसी साहब से मिलने आए थे, क्या मामला है? मामला ये है कि हमें बने हुए 1.25 साल हो चुका है, तब से लेके हमारी सिर्फ 2 ही मीटिंग हो चुकी है और दूसरी मीटिंग में हमारे ज़्यादातर प्रस्ताव डले हैं और ये जो मीटिंग अभी हुई थी इसमें कोरम भी पूरा है और इसमें गांव के विकासों के ही प्रस्ताव डलते हैं। अभी रिसेंटली मुद्दा हुआ है कि जो हमारे ओपोजिशन वाले हैं वो ये नहीं चाहते कि हम कोई भी मीटिंग सक्सेसफुल कर पाएँ और हम कोई भी काम कर पाएँ। इसमें उनको ये फ़ायदा है कि वो ये बदनामी कर सकते, देखो ये काम करने के लायक नहीं है, सीधा सीधा षड्यंत्र है जिसमें MLA साहब उनके साथ लड़े हुए हैं और जहाँ पे भी उनको फोन करना पड़ता है वो फोन करते हैं। डीसी सर से मिलने आए थे, ये वीडियो पावर पे रोक लगाई गई है। तो जो 9/2 को मीटिंग हुई थी उसमें सभी मेंबर सहमत थे, लगभग 21 के साइन हो चुके हैं। तो 22 मेंबर थे, को इमरजेंसी जाना पड़ गया और कल वीडियो पावर पे जो रोक लगाई गई है वो अपोजिट पार्टी ने लगाई है, तो जिसमें MLA भी साथ में है जो एंटी पार्टी की तरफ लगे हुए हैं, जो जनशक्ति को दबाना चाहते हैं, विकास कार्यों में रुकावट डाल रहे हैं। किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया किसान नेता औलख ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 3 दिन और 3 बैठकें हो चुकी है लेकिन सोमवार की बैठक आखिरी बैठक हो सकती है। सरकार जानबूझकर टाल मटोल कर रही है, हमें उम्मीद है कि बैठक में सोमवार को मांगे पूरी होंगी। गांव चकेरिया का किसान घायल हो गया है और जगदीर सिंह भी घायल हुए हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। घायल किसान ने कहा कि वह शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। जो किसान आंदोलन 2 है उसमें इतनी ज़्यादा जाति किसानों के साथ हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। किसानों को अपने ही देश में परायेपन का एहसास हो रहा है। जब हम एक ही देश के नागरिक हैं, एक ही जो संविधान है, एक ही तरह के कानून हैं, तो पंजाब वाले किसान हरियाणा में होते हुए दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ उनको रोका जा रहा है, उसके ऊपर बहुत बल प्रयोग किया जा रहा है। खनौरी बॉर्डर पर जो हमारे किसान आंदोलन किसान नेता है वो प्रचार कर रहे थे, उनकी वो कम प्रचार को सुन रहे थे, शांत में टाइम से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एकदम एक के टाइम पर उन्होंने हजारों सैकड़ों की तादाद में जहाँ पर गोला बारूद शांत बैठे किसानों पर उतार दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों को चोट लगी है। ये कहाँ की घटना है? खनौरी बॉर्डर। तो अब आपको चोट लगी, आप गाँव जाओगे या वही वापस जाओगे? चोट हो जाए दूसरे हाथ पर भी लगा के वही पर जाएंगे, दिल्ली जाते रहेंगे और अपनी मांग को पूरा करते रहेंगे। आंदोलन से आज कालावली एक बार
कैथल में आज भारतीय किसान यूनियन चंडोनी ग्रुप के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि यह ट्रैक्टर मार्च लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला जा रहा है, ताकि हर घर तक आवाज पहुंचे कि किसान आज परेशान है और पिछले किसान आंदोलन की तरह एक माहौल बन सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम चंडोनी ग्रुप पार्टी के रूप में नहीं बल्कि किसान के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं और हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। मीटिंग में गुरनाम सिंह चंडोनी जी जो भी आदेश करेंगे उसे हम मानेंगे। पुलिस द्वारा पंजाब बॉर्डर पर जो किसान के साथ अत्याचार हो रहा है उसे सहन नहीं किया जाएगा। आज ट्रैक्टर परेड यात्रा है कैथल में, सारे जना में किसानों को जागरूक करने के लिए ये आज परेड निकाली जाएगी सारे जना में और कैथल में आपके सामने है। ये किसानों की ट्रैक्टर यात्रा है या चुडूनी पार्टी की शक्ति प्रदर्शन? हमारी कोई पार्टी नहीं, ये सिर्फ किसानों की ताकत है और जो भी किसानों के खेतर सरदार गुलाम सिंह चुडूनी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 27 घंटे जीत रोड जाम करना, अगर किसी ने कराया वो मैंने बताया उसको। देखिए, जो ट्रैक्टर यात्रा है या कल का हमारा जो टोल फ्री का जो प्रोग्राम था 12 से 3 का, वो इसलिए लेना पड़ा ताकि पहले आंदोलन को हर घर तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि सरकार ने तो डर दिने पहले ही नेट भी बंद कर दिए हैं। अब किसानों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए जब ये एक हमारी शक्ति प्रदर्शन होगा किसानों का, ये बात गांव-गांव तक सर मीटिंगें होगी, उसके बाद और कल को जो महापंचायत बुलाई गई है कुरुक्षेत्र में उसमें भी काफ़ी संख्या में जो है किसान मजदूर आशा वर्कर सरपंच एसोसिएशन जितने भी संगठन हैं सभी भाग लेंगे। ये इसलिए हमने ये ट्रैक्टर मार्च यात्रा जो है सरकार के खिलाफ रोष प्रवक्त करने के लिए निकाल लिया। खबर भिवानी से है, जहां रेलवे लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास होने पर महावीर डालबिया ने आभार जताया। रेल यात्रियों ने दैनिक रेल यात्री और जनकल्याण संघ के प्रधान और रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति बीकानेर के सदस्य महावीर डालबिया का आभार जताया। रेलवे ने भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों को तोहफा दिया। महावीर डालबिया ने आगे कहा कि रेलगाड़ियों के आवागमन में होने वाली देरी से यात्रियों को निजात मिलेगा और मानाहेरू भवानी खेड़ा और भिवानी डोभ भली रेल खंड में दोहरीकरण का खास लाभ मिलेगा। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भवानी खेड़ा से मनहेरू और भिवानी से डोभ भाली रोहतक तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास करने से इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। भवानी खेड़ा से मनहेरू और भिवानी से डोभ भाली रोहतक तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास होने पर डालमिया ने पुनः सांसद धर्मवीर सिंह का आभार और धन्यवाद जताया। कार्यक्रम था, कल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भिवानी वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। जैसे भिवानी से दोवाली तक मानदेरू से भवानीगढ़ तक दोहरी रेल लाइन की दोहरीकरण की मंजूरी प्रदान की है। हम सबका आभार व्यक्त करें माननीय मोदी जी का, माननीय रेल मंत्री अश्विनी सैनी जी का, माननीय भिवानी के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्म जी का, धर्मवीर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भिवानी तक का जो है उससे भिवानी वासियों को इतना बड़ा फायदा होगा, इसके लिए हमारे प्रधान जी प्रसाद थे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, सांसद जी ने प्रयास किया, इन सब के लिए हम प्रधान जी का, सांसद जी का, रेल मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही, आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।